ना कड़वा का लोंडा ये समझ ले जरा कहाँ से मर कर लिया बकरा लिया आया। अब बकरा ला के लल्ला रे उन्हें मेरी टांग के नीचे बांध दिया, मतलब खटोले की खाट के नीचे बांध दिया। अब वह मेरी सूरत को देख लिया और मरी कर लिया, यूँ कर दिया। हास्य कलाकार उस्मान भारती को मिल रही जान से मारने की धमकियां, गॉट टैलेंट और कपिल शर्मा शो जैसे कई मंचों पर अपने टैलेंट का जादू दिखाकर लोगों को हंसाने वाले हास्य कलाकार उस्मान भारती ने उन्हें मिल रही धमकियों का हवाला देते हुए आज मुरादाबाद SSP को एक शिकायती पत्र सौंपा है। उस्मान भारती मूल रूप से मुरादाबाद जनपद के ही भोजपुर इलाके के रहने वाले हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से प्रतिभा के धनी उस्मान भारती ने देश के बड़े बड़े मंचों पर अपने कला का जादू बिखेर कर कुछ अलग ही पहचान बनाई है। आज वो मुरादाबाद SSP कार्यालय पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने एक शिकायती पत्र SSP को देकर अपनी जान माल की गुहार लगाई है। उस्मान भारती ने आज अभी तक न्यूज इंडिया से बात की और उन्हें मिल रही धमकियों के बारे में जाना। दरअसल उस्मान भारती बड़े यूट्यूबर में अपनी पहचान रखते हैं, क्योंकि इनके कुछ करेक्टर तो लोगों की जबान पर चढ़े हुए हैं। लाखों फॉलोवर्स के दिलों में राज करने वाले उस्मान भारती को अब उन्हीं के साथ काम कर चुके लोगों से धमकियां मिल रही हैं। अभी तक न्यूज इंडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि कुछ लोग उन्हें धार्मिक कॉमेडी वाले वीडियो बनाने के लिए दबाव बना रहे थे। पिछले लंबे समय से वो लोग हिंदू मुस्लिमों से जुड़े वीडियो बनाने का जब दबाव आने लगा, मना करने पर उन्हें धमकी दी जा रही है, जिसकी शिकायत आज मुरादाबाद SSP से की है। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम कॉमेडियन उस्मान भारती, मैं कॉमेडी अच्छी करता हूँ, लोग मुझे पसंद करते हैं, मैं यूट्यूब पर कॉमेडी ही वीडियो बनाता हूँ। उस्मान जी आज आप आए हो, क्या मामला है पूरा बताइए। मामला ये है कि सर एक मुशारिक और एक मुसादिक नाम के दो बंदे हैं जो काट के पास में मेवा नवादा करके एक गाँव है, वहाँ से बिलोंग करते हैं वो लोग, और मेरे को काफ़ी टॉर्चर कर रहे हैं। और कभी हमारा साथ में काम चलता था एक साल पहले, लेकिन अभी मैं उनके साथ में काम वाम नहीं कर रहा हूँ यूट्यूब को लेकर। तो वो मेरे ऊपर ज़बरदस्ती दबाव बना रहे हैं कि आप मेरे साथ में विवादित वीडियो बनाओ, मतलब ऐसी वीडियो बनाओ कि पब्लिक को परेशान हो एक दूसरे को हिंदू मुसलमान को लेकर। लेकिन मैं एक कॉमेडियन कलाकार हूँ, सिर्फ मैं चाहता हूँ लोग मेरे से हंसें, चाहे वो हिंदू मुसलमान कोई भी हो, सब मेरे से हंसें, मैं सबका एंटरटेनमेंट करूँ। लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते, तो इनके खिलाफ मैं ये देने के लिए आया हूँ और मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। मतलब क्यों दे रहे हैं धमकी? वो मतलब वजह यही है कि वो मुझसे कह रहे हैं कि ऐसा काम करो वरना हम तुझे जान से मार देंगे। उनकी मैंने 2-3 रिकॉर्डिंगें भी मेरे पास मौजूद हैं, वो मैं आपको दे दूंगा। कितने साल से हैं आप इस फील्ड में? मैं इस फील्ड में लगभग 6 साल हो गए। कितने फॉलोअर्स हैं आपके फेसबुक पे और यूट्यूब पे? लाखों आप ऐसे बहुत सारे फॉलोअर्स। क्या बोलना चाहते हैं आज अपने फैंस को आप अपने अंदाज में? मैं अपने अंदाज में यही बोलना चाहूँगा, लल्ला रे बड़ा जमाना खराब चलिया मेरे बेटे, सिमाल का चलिए भैया मेरी। प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप? प्रशासन से यही मांग करूँगा कि हमारे अदरवाइज जितने भी कलाकार हैं, जैसे सभी को सम्मान देते हैं आप, मैं भी एक कलाकार हूँ छोटा मोटा, मुझे भी सम्मान चाहिए, बस आपकी हेल्प चाहिए आप लोगों को। थैंक यू।